हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर में। तो दोस्तों, कहते हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी है, क्योंकि काफी ऊंची मूर्ति है। आप पीछे देख सकते हैं, काफी दूर से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ की यात्रा करवाऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। कहते हैं कि बहुत ही अच्छी गुफा है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बाहर से कितने की टिकट लेनी है, बैग कहाँ पे जमा करवाना है, जूते कहाँ जमा करवाना है, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जितनी ऐसी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, यहाँ अगर लोकेशन की बात करें तो दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे है ये जगह। छटीकरा आपको उतरना पड़ेगा बस स्टैंड पे, वहाँ से सामने आपको ये गेट दिख जाएगा, मेरो वृंदावन लिखा हुआ है। यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है ये माँ वैष्णो देवी धाम। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के दर्शन करवाऊँगा और अंदर पूरी डिटेल यहाँ की बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। यहाँ अगर टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, 7 बजे से ले कर 1 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये खुलता है। बीच में 1 से 4 तक बंद रहता है। और ये है बाहर का मेन गेट, देख सकते हैं आप। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो सामने आपको लेफ्ट साइड में देखिए जूता घर दिख जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल फ्री सेवा है, यहाँ पे आप जूते जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपको एंटर होना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री है, और जब भी आप एंट्री करेंगे तो उसके देखिए राइट साइड में यहाँ पे ये लॉकर्स रूम है, यहाँ पे लॉकर्स हैं। यहाँ पे आपने जो भी अपना बैग वगैरह जमा करवा सकते हैं, उसके लिए आपको आगे से पहले एक कूपन लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे बैग जमा करवा सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लॉकर्स, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको पहले सामान जमा करवाने के लिए कहाँ से कूपन लेना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले वो जगह दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे राइट साइड में पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, और उसके साथ में ये टिकट काउंटर है। यहाँ से इंक्वायरी वाला, ये देखिए आप खिड़की देख सकते हैं, यहाँ से आपको कूपन मिलेगा। जो आपने सामान जमा कराना है, बैग वगैरह, उसके लिए यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। 20 रुपये की टिकट है कूपन की, उसके बाद आपका बैग जमा होगा, और यहाँ से आपको आगे एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी यहाँ का मंदिर का नाम है। जो मूर्ति है माता की, वो 141 फीट ऊंची है, ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये है माँ वैष्णो देवी धाम के लिए विजिटर पर्ची। जब आप अंदर जाना चाहें तो उससे पहले आपको ये विजिटर पर्ची लेनी आवश्यक है, लेकिन इसकी कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। तो अंदर जाने के लिए पहले आप ये ले लें। तो दोस्तों, सबसे पहले एंटर करते ही आपको ये डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा, इस पे सब चीज लिखी हुई है। गुफा में प्रवेश इस साइड से है, माँ वैष्णो देवी मंदिर किधर है, आर्ट गैलरी है, म्यूजिकल फाउंटेन है, सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ये देखिए पीछे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ बना रखे हैं पीछे। तो दोस्तों, मंदिर की पूरी डिटेल यहाँ पे बोर्ड में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, देखिए वहाँ से आप एंटर होंगे, और इस साइड देखिए यहाँ पे है मंदिर में अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो देखिए सामने माँ वैष्णो की आपको मूर्ति दिख रही है, बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति है ये। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन में आते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको इस मंदिर में भी अवश्य आना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है अंदर भी। और आपको अंदर से डिटेल दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ऊपर से मंदिर का प्रांगण कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर से इस तरीके की लुक आपको दिखेगी। चलिए अब नीचे सीढ़ियाँ उतरते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये मूर्ति है यमुना जी की, और माँ की मूर्ति की अगर हम राइट साइड में बात करें तो वहाँ पे आपको गंगा जी की मूर्ति भी दिखेगी। ये यहाँ पे यमुना जी की मूर्ति है, दोनों तरफ बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये। और यहाँ पीछे देखिए बहुत ही प्यारा झरना बहता हुआ आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए ये है यमुना जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति। और ये देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सामने आपको ये जो मूर्ति दिख रही है, ये है गंगा जी की, दोनों तरफ मगरमच्छ बने हुए हैं और उनके मुंह में से भी पानी निकल रहा है, और पीछे झरने बह रहे हैं बहुत ही प्यारे।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गंगा जी। तो दोस्तों यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी आपको दिखेगी, यहाँ पे देखिए ये है आर्ट गैलरी, इसके अंदर लेके चलता हूँ। अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, काफ़ी सारी फोटोज लगी हुई हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं। पूरी यहाँ की हिस्ट्री, पूरी डिटेल इसमें बताई गई है। तो दोस्तों आर्ट गैलरी में देखिए यहाँ पे भूमि पूजन की फोटोग्राफ लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं जब यहाँ पे निर्माण हुआ था मंदिर का, तो वो सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुरानी फोटोग्राफ यहाँ पे सारी लगी हुई हैं, देखिए ये देखिए जब मूर्ति को तैयार किया जा रहा था तो उस टाइम कुछ इस तरीके से दिखती थी। ये माँ वैष्णो देवी मंदिर के कंस्ट्रक्शंस की फोटो हैं, ये भी आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे फोटोग्राफ लगा रखे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों बिल्कुल जैसी बड़ी मूर्ति है उसका छोटा स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस गैलरी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है माँ वैष्णो देवी मंदिर, अब यहाँ से आपको अंदर लेके जाऊंगा, बाहर आप देख सकते हैं 22 मई 2010 को इसका उद्घाटन किया गया था, और अब आपको मैं अंदर लेके चलूंगा यहाँ से। चलिए यहाँ से एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों देखिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत ही भव्य मंदिर है अंदर। यहाँ पे देखिए दीवारों पे काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और रंग बिरंगी लाइटिंग कर रखी है, वो पूरी आपको आगे जाके डिटेल दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये है अंदर का दृश्य, और ये है माँ वैष्णो की मूर्ति, देखिए दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई गई है, ये देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत। तो यहां से अब दर्शन करके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कृष्ण जी कालिया नाग के फन के ऊपर यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव जी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही प्यारी, काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए सरस्वती जी की मूर्ति है, और उससे आगे आप देख सकते हैं इस तरफ ये देखिए कृष्ण जी की है गोपियों के साथ, तो बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, काफ़ी प्यारी लग रही है ये। तो दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जब भी आप वृंदावन में आए तो यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में अवश्य आए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे देखने लायक है मंदिर, बहुत ही प्यारा बना हुआ है।
दोस्तों यहाँ से चलते हैं अब आगे और आगे देखते हैं कि मंदिर में और क्या क्या है देखने के लिए। यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है गुफा का रास्ता। देखिए दोस्तों यहाँ पे सामने आपको गुफा भी दिख जाएगी, तो अब हम आपको गुफा के अंदर लेके जाएंगे और अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से कैसे दिखती है। तो दोस्तों ये है गुफा की मेन एंट्रेंस, यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं कि कैसे है। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रही है ये गुफा, और यहाँ पे अंदर काफ़ी कलरफुल लाइटिंग की गई है, बहुत ही प्यारी बनाई गई है अंदर से खूबसूरत। अंदर थोड़ा सा सावधानी से चलें। गुफा में अंदर भी आपको जगह जगह पे ऐसी मूर्तियां दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे देखिए गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे उनके बारे में लिखा भी गया है। यहाँ पे देखिए माता की मूर्ति है अंदर, आगे हनुमान जी बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे माता की मूर्तियां बनाई गई हैं और यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं, शैलपुत्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ गुफा से बाहर निकलते ही सामने आपको दिखेगा वे टू परिक्रमा, यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है दोस्तों। जो बड़ी मूर्ति है 141 फीट की माँ की मूर्ति, जो मेन मूर्ति है उसके चारों तरफ आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए पीछे से आप देख सकते हैं मूर्ति कैसे दिखती है। इस टाइम मैं बिल्कुल मूर्ति के बैक साइड में हूँ और यहाँ से देखिए ये चारों तरफ परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है। यहाँ से अब आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों सामने से अब दर्शन कीजिए माँ वैष्णो देवी के, देख सकते हैं आप कितनी भव्य मूर्ति है। और यहाँ देखिए नीचे दोस्तों माता के चरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है माता के चरण, यहाँ पे आप यहाँ पे आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ से गुफा में बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ से चलिए आगे चलते हैं अब और दिखाते हैं अंदर। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो अगर आप दिल्ली से आते हैं मथुरा रोड की तरफ से, तो सबसे पहले आपको वृंदावन में एंटर करते यही मंदिर दिखेगा, इसी के दर्शन होंगे, तो उसके बाद आप आके आगे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ, इसके बाद मैं पूरे और भी वृंदावन के मंदिरों के आपको दर्शन करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी प्यारा मंदिर है, जब भी आप वृंदावन आएं तो यहाँ पे अवश्य आएं।
तो दोस्तों यहाँ हम निकल चुके हैं गुफा से बाहर। ये देखिए यहाँ से ये है बाहर निकलने का रास्ता। और दोस्तों ये है एग्जिट गेट, देख सकते हैं यहाँ पे भी दोनों तरफ काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो पूरी यहाँ पे वैष्णो देवी धाम मैंने आपको दिखा दिया है, पूरी डिटेल वहाँ की बता दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि ऐसी और भी काफी सारी वीडियो में अच्छी अच्छी जगह की बनाता रहता हूँ।